हरि बोल हरे कृष्ण। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, कृष्ण के भजन बिना, के भजन बिना नाही I'm
ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाई रही राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाई रही राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, नाचते हो कभी इधर जो भजन कीर्तन हो कोई नाचते कि नहीं? जब शादी हो ना देखना मेन रोड पर में लोग पी पा करके, अब देखे कि नहीं शादी में जब शादी होती है पी करके मेन रोड में गंदी गंदी फिल्म के ऊपर में पागल होकर नाचते हैं, देखे कि नहीं आप लोग? हाँ, लेकिन अगर ठाकुर का दरबार में कोई नाच लेना उसको फिर संसार का किसी को सामने नाचने का जरूरत नहीं है, फिर तो 84 लाख जोनी में नाचना खत्म, नहीं तो सास को सामने नाचो, नहीं तो बहू को सामने नाचो, नहीं तो देवर को सामने नाचो, पति को सामने नाचो, नाचते कि नहीं संसार में? बताओ कौन नहीं नाच रहा है संसार में, बताओ तो सबके सामने, तो पैसा को सामने नाचो है, सबके सामने हम नाचते हैं। बोले कब तक नाचोगे? बोले तब तक भगवान की, इधर सुना, जब तक भगवान के दरबार में नहीं नाच लोगे, ठीक है ना? इसलिए भगवान के कीर्तन में नाचनी चाहिए। या नाचते हो कि नहीं नाचते हो? खड़े होकर था, खड़े हो जाओ। देखा हमने सुना था यहाँ के भक्त लोग बड़े कीर्तन में नाचते, ठाकुर का कीर्तन हो ना, हमने सुना था यहाँ के भक्त लोग खूब नाचते हैं, लेकिन यहाँ आकर देखे सब चुपचाप बैठे हैं, कोई नाच नहीं रहे। आज प्रसाद भारी हो गया। हाँ, प्रसाद खिला, इतना पहले प्रसाद क्यों खिलाया इनको? कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा प्यारी, कान्हा जब कान्हर तोहे प्यास लगेगी, 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 जब
Yeah.
बसे वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाचते नाचते थक गए सब भाई, तुम भी बैठ जाओ। भैया कहाँ जा रहे, बैठो। हाँ हरे, सब सबसे बैठ जा। एक बार मेरे साथ में हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। एक साथ में बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्णा। आपको लग रहा था ना कि वृंदावन में हूँ कि नहीं, कहाँ लग रहा था, बरसाने में ना वृंदावन में? हाँ वृंदावन। हाँ जहाँ पर भगवान की कीर्तन कथा हो ना। एक समय नारद जी भगवान से प्रश्न करते हैं, बोले ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो? किसको? बांके बिहारी को नारद प्रश्न कर रहे, बोले ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो, आपको थोड़ा अता पता बता दो, फिर कहीं इच्छा होगा तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। ये बांके बिहारी खुद कहते हैं, कहते ना अहम बसामि वैकुंठे। बोले नारद जी दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। बोले योगी नाम हृदय नच, दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, कहते योगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते हो? बोले एक जगह पर मैं रहता हूँ, कहते मद भक्ता यत्र गायंती, जहाँ पर मेरे भक्तजन एकत्रित होकर के मेरी कीर्तन मेरी कथा करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। इसलिए मानो आज यहाँ ठाकुर का सत्संग कीर्तन हो रही है, मानो बांके बिहारी आज यहीं पर, बांके बिहारी यहीं पर आ गए। गांव का नाम क्या है? सोनीपत। सोनीपत आज सोनीपत नहीं, आज ये वृंदावन का पथ हो गया, ये ठाकुर जी की धाम बन गया। देखो आज हम लोग का बहुत बढ़िया दिन है, आज हमें ये सत्संग मिल रहा है, भगवान की कथा सुनने को मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत में सब चीज दुर्लभ है, लेकिन दो चीज जगत में दुर्लभ है। कहते सब चीज सुलभ है, दो चीज जगत में दुर्लभ है। कहते दो चीज क्या दुर्लभ है? कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीज क्या है? कहते एक संतों का संग और दूसरे भगवान की कथा। इसलिए शंकर भी पार्वती को यही बात कहते हैं। कौन कह रहे हैं? शंकर जी भोले बाबा। किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? माता पार्वती को। देखो कोई एरे गेरे व्यक्ति कोई बात बोले ना, हम वो बात को हमें महत्व नहीं देते, लेकिन अगर मोदी कोई बात बोलता है, बोले भैया कुछ दम है, क्यों प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है ना। उसी तरह यहाँ शंकर जी किसको कह रहे हैं? माता पार्वती को कहते हैं। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमी सद अंड भर ए काउबारा। शंकर जी कहते पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसार में जो सत्संग है, जो भगवान की कथा पार्वती, ये बड़ा दुर्लभ है जगत में। अगर जीवन में निमिष दंड भर एको बार, अगर जीवन में एक घड़ी आधी से पुण्य आध है, अगर थोड़ी समय अगर जीवन में ये सत्संग मिल जाए तो जीवन हमारी धन्य हो जाएगी। जब शंकर जी, बच्चों सब बैठ जा, बच्चे सब बैठ जाओ, कोई खड़े नहीं होना, सब इस बच्चे किसके बच्चे हैं, सब गोद में लेकर बैठ जाओ। हाँ देखो इसलिए कहते शंकर जी कहते पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसार, संसार में सत्संग बड़ा दुर्लभ है। पार्वती कहती है सत्संग दुर्लभ कहाँ है? देखो यहाँ पर हो रही ना, आज किसने बुलाया हम लोगों को, किसने बुलाया बोलो, किसने बुलाया? क्या माता जी का नाम क्या? कौशल्या। वाह राम की मैया है, इसलिए कौशल्या देवी ने बोले आओ हमारे घर में, संत लोग आएंगे, घर में सत्संग होगा, कीर्तन होगी, सबको निमंत्रण दिया है ना। इसलिए पार्वती कहते प्रभु जी आप कहते हो
सत संगति दुर्लभ संसार कहाँ दुर्लभ, ये तो सुलभ हो गया, घर घर में जाकर बोली होगी, सबके सब आई हो घर में, हमारे सत्संग होगा। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती बोले आप तो यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। पार्वती सत्संग के लिए तो बुलाएंगे लेकिन कोई नहीं आएगा, ये शंकर जी कहते हैं। लेकिन किसको पता चले यहाँ ऐश्वर्य राय आ रही है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, हेमा मालिनी आ रही है, शाहरुख खान आ रहे हैं। अगर किसको थोड़ी सी हिंट मिल जाए ना, थोड़ी सी, अब देखो प्यार रखने के लिए जगह मिलेगा आपको, मिलेगा अगर बोलेगा ये दो बजे आएगी ना, देखना एक बजे से यहाँ पर इतने भीड़ हो जाएगी, प्यार रखने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर, हैं? प्यार रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। कौन शंकर जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं सत संगति दुर्लभ संसार पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई। गंदी से गंदी फिल्म में आ जाए ना, गंदी से गंदी फिल्म में आ जाए, फिल्म जब देखने के लिए जाते कब जाते हो, शो शुरू होने से पहले ना, बाद में ना, बीच में जाते हो, कब जाते हैं? आधा घंटा पहले जाएंगे ना, लाइन लगाएंगे, ज्यादा गंदी पिक्चर हो ना उसमें ज्यादा लाइन लगेगी, अगर टिकट नहीं बने ब्लॉक में टिकट खरीदी करेंगे, गंदी गंदी चीज को देखेंगे पैसा दे करके। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई, लेकिन राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो पार्वती, ये सत्संग में कोई नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकते हैं। इसलिए फिर पार्वती फिर प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु जी फिर ये सत्संग में कौन कौन आते हैं, सत्संग में कथा में कौन कौन आते हैं? तो उदाहरण देते हैं, हैं? एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे तुम्हारी घर में शादी विवाह है, हैं? तुम्हारी घर में शादी हो रही, बताओ उस शादी में कौन कौन आएगा? जिसको आप निमंत्रण दोगे, है ना, जिसको अगर 1000 किलोमीटर कोई विदेश में, अमेरिका में, लंदन, फ्रांस में हो, लेकिन अगर नौता दिए होगे ना, बेटा की शादी नहीं तो बेटी की शादी, इतने दूर से लोग आएंगे, हाँ, 1000 किलोमीटर से, लेकिन घर को पास में जो दीवार 9 इंची दीवार है उसको पास में कोई पड़ोसी रहती है, लेकिन अगर आप उसको निमंत्रण नहीं दोगे, वो आएगा तुम्हारी घर में शादी में? आएगी? नहीं आएगी। लेकिन कोई अमेरिका में रहता है, कोई लंदन में रहता है, फ्रांस में, अगर उसको नौता दोगे आएगा कि नहीं, बोलो, बताओ वो आएगा कि नहीं? आएगा। क्यों? आप उसको नौता दिए हो। देखो शंकर जी कहते हैं कभी ये सत्संग में कौन आएगा, सत्संग में कहते अति हरि कृपा जा पर होई पाब दे एह सा गत सोई अति हरि कृपा जा पर होई। शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई, जिसको ऊपर में ठाकुर का विशेष कृपा हो पार्वती, पाप देही यह संगत सोई, वही व्यक्ति यह सत्संग में आ सकता है। मानो जैसे कन्हैया वृंदावन में रास ठाकुर जी की, बंसी बटक नीचे बंसुरी बजाई, लेकिन वो बंसुरी की आवाज सबको कान में नहीं गया है, केवल ये गोपियों को कान में गया। क्यों? कृष्ण केवल गोपियों को बुलाना चाह रहे थे और किसी को कृष्ण बुलाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए केवल गोपियों को कान में गए, और रास में कौन आए? केवल गोपियां आई। इसलिए आज श्री कौशल्या देवी के घर में सत्संग है, मानो कन्हैया यहाँ पर वाक्य बिहारी बंसुरी तो बजाई, लेकिन सब गोपियों के कान में नहीं गई, ठाकुर जी जिनको बुलाना चाह रहे थे ना, उनकी कान में ही बंसुरी की आवाज गई, और वही लोग ही यहाँ पर आए हो। मानो आज ठाकुर जी आपको निमंत्रण दिया है, हैं? अभी तो फोन आ गया है, बस हेलो बोल तो आ जाएंगे, हाँ फोन कर दो आ जाते हैं। इसलिए मानो ठाकुर जी आज आपको फोन किया है, सत्संग में आओ, इसलिए तभी आप लोग ये सत्संग में आए। इसलिए आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है, हमें थोड़ी समय भगवान की कथा और भगवान की कीर्तन में सत्संग में आने का हमें सौभाग्यवान प्राप्त हुआ है। और जिस घर में ये सत्संग कीर्तन होना, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंती तथा, जिस घर में ठाकुर का सत्संग कीर्तन हो जाए, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है उसी घर में आ जाते, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, हैं, प्रयाग, हैं, तीर्थराज, सब यहाँ पर, गंगा, सब जितने सारे तीर्थ उसके घर में आ जाते हैं।
जिस दिन घर में यह सत्संग और जिस दिन घर में हरि कीर्तन हो जाए। इसलिए मानो आज हम सबके सब यहाँ बैठी करके ना सारे तीर्थ में बैठी बैठी करके हमारे यही नहाना हो गया, सब बैठी बैठी करके नहा लिया। हाँ, कथा रूपी गंगा में नहा लिया, मतलब सारे तीर्थ में तुम्हारी यही नहाना हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जय कोई है बोल रहे हो, जोर से जयकार बोलो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। देखो भगवान की भक्ति करने के लिए, ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए कुछ चीज की जरूरत होती है, कुछ चीज की जरूरत होती है। जैसे उदाहरण देते हैं, अगर आप, हम एक प्रश्न कर रहा हूं, देखो मैं कौन उत्तर दे पाता है, ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर देना, ठीक है, इधर सुना मेरे तरफ में। अगर कोई विदेश जाना चाहते हो, अमेरिका, लंदन, फ्रांस जाना चाहते हो, आप बताओ आपके पास में कौन सा चीज होनी चाहिए, आप विदेश जा सकते हो। पासपोर्ट और वीजा। और क्या चाहिए? टिकट। और क्या चाहिए? पैसे। हाँ, इसके लिए ताली बजाने के लिए। ये 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 तीन चीज होनी चाहिए। देखो ये साधारण है, यहाँ 2-3 घंटा की रास्ता है, हैं, प्लेन में फ्लाइट में जाओ, लेकिन उसके लिए 3 चीज चाहिए। कहते उसी तरह हम अगर अपना घर में वापस जाना चाहते हैं, अगर हम ठाकुर जी को घर में जाना चाहते हैं, वो हमारी सही घर है, हमारी जो घर हम कह रहे हैं ना, ये हमारी घर नहीं है, हम रिफ्यूज हो करके केवल कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए, ये हमारी घर नहीं। अगर घर यहाँ होता तो तुम्हारी पिताजी की माँ की माँ की माँ कहाँ गई सबके सब है अभी क्या? अगर होता तो यही रहते ना, वो गए क्या फिर? ये हमारी घर नहीं। कोरोना में कोरोना है ना, कितने लोग चले गए हैं, इसलिए एक दिन हमें जाना पड़ेगा, ये हमारी घर नहीं। हम रिफ्यूज हो करके यहाँ पर किरायेदार रूप में यहाँ रुके हुए, केवल किरायेदार और कुछ नहीं। अपना जो घर है, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, माम उपतु तु कंत पुनर्जन्म न विद्यते, जब तक ये जीव मेरे पास में नहीं आ जाते हैं, गोलोक वृंदावन वैकुंठ नहीं आ जाते हैं, तब तक ये संसार में 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि में ये भटकते रहेंगे। लेकिन जब जीव मेरे पास में आ जाएंगे, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर संसार में उसको भटकना नहीं पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि, ये जो संसार, ये दुख का घर है, यहाँ पर कोई सुख, सुख में कोई नहीं है। कोई सुख में है? कोई बताओ। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई यह नहीं बोल सकता हम सुखी संसार में, क्योंकि जिसने दुनिया बनाया खुद कह रहा है ये दुख का घर है, ये दुख का घर है। लेकिन असली सुख कहाँ पर? भगवान कहते हैं मेरे चरण में ही जीव को असली जो शांति सुख है मेरे चरण में है। इसलिए हमें अपना घर में जाना पड़ेगा, अपना घर में हमें वापस जाना पड़ेगा, अपना घर में, पर वहीं पर हमें परम सुख परम शांति हमें भगवान के चरण में ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन वहां जाने के लिए हम पास में 3 चीज होनी चाहिए, तभी हम वहां तक जा सकते हैं। जैसे अमेरिका जाने के लिए, विदेश जाने के लिए पहले पासपोर्ट, उसके बाद में वीजा, उसके बाद में टिकट। अगर 3 चीज हो, फिर हम साधारण विदेश में 2-4 घंटे का रास्ता जा सकते हैं। फिर ठाकुर के पास में भी जाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। इसलिए आज यहाँ पर हमारे भक्त लोग है, उस विषय पर कुछ कुछ उन्होंने बात बताएंगे। ये 3 चीज क्या है, जिस चीज अगर हमारे पास में हो, फिर ठाकुर के पास में जाने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकते। इसलिए हमारे बीच बीच में कुछ भक्त लोग है, आपको इसी विषय पर थोड़ी थोड़ी बात सुनाएंगे, ठीक है। हमारे बीच में एक चैतन्य चंद्र प्रभु जी, वो आपको थोड़ी सी, ये जो तिलक और कंठी, ये क्या चीज है? हम ये तिलक कंठी क्यों लगाते हैं? इसको लगाने से क्या होता है? कोई कोई कहते हैं ना, अरे ये सब तिलक कंठी दुनिया को दिखाने का जरूरत थोड़ी है, हैं? ये सब दिखाने का क्या जरूरत? अंदर में रखना सबके सब, ऊपर तिलक कंठी क्यों पहनते हो, हैं? कोई कोई प्रश्न करता है ना, इसे तिलक कंठी, कुछ कुछ माताएं यहाँ पहनते तिलक कंठी, इसको लगाने का कोई जरूरत है? कोई कोई प्रश्न करता है ना, नहीं, ये जरूरत है। आप लोग स्कूल में गए हो? कौन कौन स्कूल में कभी जिंदगी में पढ़े हो? हाथ उठाओ तो सब पढ़े हो। देखना, जब तक आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो, यूनिफॉर्म के साथ में पढ़ेगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा तो स्कूल में घुस नहीं सकता। जैसे कोर्ट है, कोर्ट में अगर जो वकील, जो
होते हैं, जो जज होता है, अगर अपना यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं पहना तो पहनेगा तो उसका अंदर में घुसने का घुस नहीं सकता उसके अंदर। पुलिस है, हमें कैसे पता चलता है पुलिस है? उसका यूनिफॉर्म ड्रेस देखकर पता चलता है पुलिस है। जैसे आप लोग माताएं हैं, हमें पता कैसे चल रहा है आप विधवा ना सधवा है? बताओ, कोई मांग भरे हो कि सुंदर सिंदूर लगाए, कोई मंगलसूत्र पहने हो, कोई बेसर पहने हो, हाथ में कोई चूड़िया पहने हो, तभी तो पता चलता है ना, पता चलता है ना सधवा है, हैं? और जो विधवा अपने आप पता चल जाता है ये विधवा, शादी कब से हुई है, शादी से पहले तुम्हारे पति से कोई मतलब था तुम्हारे, बीच में ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, अगर डाइवोर्स हो गया तो गया। जब तुम दो दिन पति के लिए इतने तुमने मांग भर ली, सिंदूर लगा ली, मंगलसूत्र पहन ली, दो दिन की संबंध है, केवल शरीर का संबंध है, और कब तक, जब तक शरीर नहीं छूटा उसके बाद में गया। जब दो दिन के लिए तुम इतने श्रृंगार धारण कर लेते हैं, जो जन्म जन्मांतर का जो पति है, ये तो हर जीवन में नए पुरुष हो तो स्त्री पुरुष मिलता है, लेकिन जो हमारे जन्म जन्मांतर का जो पति है, जो परम पति, ये तो पति है शरीर का पति, जो आत्मा के पति, जो परम पति, तो उसके लिए कुछ धारणा करनी चाहिए कि नहीं? इसलिए सब संत लोगों ने क्यों धारण करते थे? इसलिए हमारे शास्त्र में क्या क्या इस विषय पर बताया, हमारे ये प्रभु जी कुछ कुछ बोलेंगे इस विषय पर। उनके माइक दे दो, माइक कहाँ गया? माइक, हाँ देखो इधर सुनो, ध्यान दे करके हरि कर। देखो आप लोग ये समझोगे, ये सब बाबा लोग कोई अनपढ़ है, लिखे बड़े कुछ है ही नहीं, हाँ कहाँ से तिलक कंठी नहीं, ये जो बच्चे लोग है ना सब अच्छे लिखे बड़े, तुम क्या पढ़े बताओ तो? हरे कृष्णा, मैंने गुरुदेव की कृपा से हरियाणा के सेकंड टॉप मोस्ट कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है और पूरे डिपार्टमेंट में मैं सेकंड रैंक करूं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संचिन्तयत् भगवश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम् उत्तुंग रक्त बिलसक नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरामह दभिर्हृदयांधकार। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पदों पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। उसके बाद मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर और मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। यहाँ पर उपस्थित सारे के सारे वैष्णव वैष्णवी आप सब श्रोताओं को बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं तिलक और कंठी के विषय में कुछ कहूँ। देखिए, अभी गुरुदेव ने बताया कि जाने के लिए, जैसे किसी यात्रा में जाने के लिए हम लोग को पासपोर्ट वीजा और पैसों की जरूरत होती है, वैसे ही एक और यात्रा हमें करनी है। हमारे इस वाले घर से हमारे जो असली घर है श्री भगवान का धाम, जहां पे जाने के बाद व्यक्ति दोबारा आता नहीं है, उस वाले धाम तक की जो यात्रा है उसके लिए भी हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है। उसमें से सबसे पहली चीज क्या है? ये कंठी जो गुरुदेव ने अपने गले में धारण कर रखी है, हम लोगों ने अपने गुरुदेव से हम लोगों ने अपने गले में धारण कर रखा है। ये तुलसी क्या है? साधारण रूप में हम लोग देखते हैं कि ये केवल एक काष्ठ की माला है, लकड़ी की माला है, तुलसी की माला है साधारण, पर ऐसा नहीं है, ये साधारण नहीं है। ये इसको साक्षात वेद की ऋचाएं कह रही हैं। वेद है ना, और वैसे भी हरियाणा में तो क्या है, मैं भी हरियाणा से ही हूं, तो हरियाणा में तो क्या है, ज्यादा लोग क्या है, सब लोग वेद की ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद आर्य समाजी लोग भी ज्यादा हैं, तो वेद के ही उपाख्यान ही है और कुछ नहीं है। वेद के अनुसार जो वेद की ऋचाएं हैं वो कह रही हैं इसको, ये कंठी जो है ये क्या है? कच्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वालय कुलय विभ्रद दृष्टः केन प्रियच्युतः। ये कल्याणी है, कच्चिद तुलसी कल्याणी, जो कल्याण करने वाली है, जिसके द्वारा हमारा कल्याण संभव है, वह है ये तुलसी। तुलसी, अच्छा तुलसी हम लोगों ने धारण कर ली,
तो इसके इसके कुछ मेरिट्स होंगे, इसके कुछ फायदे भी होंगे। अब कोई चीज है, हम लोग कोई चीज लेते हैं, अरे बाजार से एक साधारण सी साबुन भी लेने जाएंगे तो उसमें भी एक के साथ एक मुफ्त की बात तो सोच करके जाएंगे कि मिल जाएगी, तो वहां पे भी हम लोग फायदा देखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, इसको पहनने के, इसको धारण करने के क्या फायदे हैं? फायदे मतलब वेद में क्या कहा गया है इसके विषय में? देखिए, जिसके गले में तुलसी है ना, जिसके गले में तुलसी है, जब हम लोग स्नान करते हैं, स्नान तो आप लोग सभी करते हो, जैसे हमारे गले में तुलसी है, हम लोगों ने स्नान किया, पानी डाला ऊपर से, जैसे ही स्नान करने के लिए हम लोगों ने जल अपने ऊपर से डाला और जल मुख को स्पर्श करता हुआ जब कंठी को स्पर्श करके सारे शरीर पर वो जल पड़ता है, तो भारत की जितनी पवित्र नदियां हैं उन सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है, केवल और केवल स्नान करने से। स्नान काले तुये स्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नानम भवनिदितेन न संशया। पद्म पुराण का श्लोक है। तुलसी को धारण करने से जब हम लोग स्नान करते हैं, अब हम लोग देखो, अब तो कुंभ चल रहा है ना, वृंदावन में भी कुंभ है और अब हरिद्वार में भी, अभी पीछे प्रयाग में भी कुंभ था, तो सब लोग कुंभ नहाने चलो, कुंभ नहाने चले, चलो कुंभ नहाने चले। घर बैठे बैठे जिसको सारी की सारी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो रहा है, ऐसी तुलसी क्या साधारण है? ऐसी तुलसी साधारण नहीं है। उसके बाद दूसरी बात यह, जब हम लोग भोजन करते हैं, शास्त्र कहता है जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोगों ने एक कोर तोड़ा रोटी का, जिसका भी उठाया, उठा करके जब हम लोग उसको खाते हैं, खाने के बाद चबाने के बाद वो कोर जब कंठ में पहुंचता है, अब कंठ में तुलसी जी विराजमान है, जब कंठ में वो कोर जाता है और तुलसी जी का स्पर्श करता है, तो सिकते सिकते तू लबते बाज मेदी फलम मुने, एक एक अन्न के दाने पर सौ सौ अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, केवल और केवल तुलसी धारण करने से। जैसे हम लोगों ने खाया, यहाँ कंठ में पहुंचा अन्न का कण और तुलसी का स्पर्श हुआ, तो हम लोग को यज्ञ करने के लिए कितनी कितनी चीजें करनी पड़ती हैं, हवन कुंड, ये कुंड, और फिर उसके बाद पवित्र घी गाय का गोघृत, फिर उसके बाद पवित्र ब्राह्मण से, और फिर पवित्र वैष्णव से, और फिर ये सब चीजें, और फिर इतने अरेंजमेंट, ये सब चीजें। लेकिन देखो हमारे शास्त्र कितने, हमारे भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने कितनी कितनी बढ़िया सुविधा हमारे लिए कर दी, केवल तुलसी जी कंठ में धारण करो तो साधारण यज्ञ की तो क्या चले, बड़े बड़े अश्वमेध जैसे यज्ञों का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, और केवल खाने से ही। ये तुलसी जी की महिमा है, तुलसी जी की महिमा। फिर उसके बाद तिलक की महिमा, साइंस क्या बोलता है? हाँ, एक और बात, अब आजकल तो विज्ञान का है, विज्ञान परिभूषणम येन केन प्रकारिणः, विज्ञान का समय है, तो विज्ञान के विषय से भी बता ही देता हूं कि विज्ञान से क्या होता है। देखो, ये जो तुलसी जी हैं, तुलसी जी के अंदर एक छोटा सा, एक आप लोग के अगर सरल हिंदी में बताऊं तो एक ऐसा तत्व होता है जिसको फ्रिक्रोट्स कहते हैं अंग्रेजी में। वो जब तुलसी, हम लोग तुलसी ठाकुर जी के, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो तुलसी जी के पत्ते रखते हैं ना, तो वो तुलसी जी के पत्ते रखते हैं क्यों? क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ये तो है ही कारण, लेकिन उससे फायदे भी हैं। जब थाली में हम लोग प्रसाद के ऊपर तुलसी जी विराजमान कर देते हैं और फिर प्रसाद के साथ वो तुलसी जी हमारे अंदर जाती हैं, तो जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं, जितने भी, उन सबको वो डिसॉल्व कर देती है तुलसी जी की, इतनी है। और दूसरी बात, अभी पीछे एक चीज डिस्कवर हुई है, मैंने बताई भी है, एक बार फिर बता देता हूं। जैसे फोन है ना, फोन है ये फोन, आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा और फोन में भी मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे कि फोन को रात को कि फोन ही बज गया फोन को रात को अपने पास नहीं रख के सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, हानिकारक किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत खतरनाक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना। तो साइंस ने तो अभी क्या, पीछे क्या आविष्कार हुआ है, क्या डिस्कवर हुआ है कि तुलसी जी के कुछ पत्ते, अगर हम लोग पीछे ये कवर है ना, ये
कवर, इसके अंदर रख लें तुलसी जी के कुछ पत्ते, 6-7 पत्ते यहाँ पे रख लें, फिर चाहे तुम इसको माथे पे धर के सो, चाहे अपनी छाती पे धर के सो, वो हानिकारक किरणें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये पीछे अभी डिस्कवर हुआ है, तुलसी जी इतनी इफेक्टिव है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव। हमारा देखो, हमारा पूरा का पूरा पुराण, हमारे वेद, ये कोई साधारण नहीं है। ऋषि बहुत बड़े बड़े तत्व विज्ञानी और साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। हमारे यहाँ पे तुक्के नहीं लगाए जाते, हमारे प्रयोग के बाद में लिखा गया है सब कुछ। उसके बाद तिलक तो हो गया ना, तुलसी जी तो हो गई कंठी, अब तिलक की भाषा और देख लेते हैं, तिलक और देख लेते हैं, तिलक से क्या होता है। देखिए, जो हम लोग जो तिलक लगाते हैं, जो हम लोगों ने तिलक लगा रखा है ना सबने यहाँ पे, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड मतलब जो नीचे से ऊपर की ओर होता है उसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ऊर्ध्वपुंड लगाने से क्या होता है, क्यों लगाते हैं ऊर्ध्वपुंड? भगवान के वचन है वेद में, भगवान ने कहा है, ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रम प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्यम ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजाम। कितना ही बड़ा पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अंत समय जब उसका आता है, आपने सुना होगा चलते चलते कोई भी आदमी मर गया, पता भी नहीं चला कि कैसे मर गया या कैसे, तो हमें कैसे क्या पता भाई, ये इसकी क्या गति हुई है, कहां गया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आखिरी समय में जिसके मस्तक पर तिलक होगा, वो उसकी दुर्गति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, मेरे धाम को जाएगा, मेरा विमान आएगा उसको लेने के लिए, अगर उसके मस्तक पर तिलक है। ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रम प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्यम ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजाम। पापी से पापी मनुष्य भी हो तो भी अगर मस्तक पर तिलक है, सबते बड़ी तिलक और माला सदा सहाय करे गोपाला। जिसके मस्तक पर तिलक है, जिसके गले में कंठी है, श्री भगवान उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान को इतना देखिए, जय लिखा है पुराण में, ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य शमशान गेवद दृशः। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है ना, वो उसका मान लो किसी दूसरे ने दर्शन भी कर लिया तो शमशान के तुल्य किसी मस्तक का दर्शन कर लिया, उसका मस्तक शमशान के तुल्य हो जाता है जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है। आप लोग देखिए, कोई भी चित्र ले लीजिए हमारे देवी देवताओं का, हमारे आराध्यों का, सबके मस्तक पर तिलक है। हनुमान जी के मस्तक पर तिलक है, शंकर जी के मस्तक पर तिलक है, सब राम जी के मस्तक पर, ठाकुर जी के मस्तक पर तिलक है, सबके मस्तक पर तिलक है। क्यों? क्योंकि तिलक की अपार महिमा है। हमारा कितना देखो, कितना बड़ा हमारा सनातन धर्म, कितना उदार है कि छोटी 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 चीजों से कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीजों को क्लैरिफाई करता चलता है, कितनी बड़ी बड़ी चीजों को क्लैरिफाई करता चलता है ये। इसीलिए तिलक और कंठी अवश्य। जैसे कोई नई नई दुल्हन है ना, नई नई बहू जब चलती है ना, और जैसे उसकी नई नई शादी हुई है और वो अपने घर से बाहर जाती है, तो उसके मस्तक पर बिंदी सुशोभित होती है, मांग में सिंदूर सुशोभित होता है, गले में मंगल सूत्र सुशोभित होता है, और जब वो चलती है तो सामने कोई कामी व्यक्ति है, एक बार उसको देख करके नजर नीची कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि इसकी शादी हो चुकी है, ये किसी और की परिणीता हो चुकी है, इसका पाणि ग्रहण पहले से ही हो चुका है, इसलिए अब इस पर नजर नहीं डालनी। ऐसे ही जब कोई वैष्णव अपने घर से बाहर तिलक और कंठी को धारण करके चलता है, तो भयंकर भयंकर वेदना, भयंकर भयंकर पीड़ा, भयंकर भयंकर स्वरूप से दुख, माया और वासना भी एक बार देख करके अपनी नजर नीची कर लेती है कि इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, ये श्री गोविंद का है, ये श्री भगवान का है। इस कारण से तिलक और कंठी की महिमा अपार है। भैया देखो, बहुत बहुत कृपा है हम पे, सच्ची बात कह रहा हूं, आप बहुत कृपा है, इतनी कृपा है ना आप लोगों पे कि साक्षात गुरुदेव आए हैं आप लोगों के घर। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह हर दिन जाते हैं, ऐसे नहीं, बहुत सौभाग्य की बात है आप लोगों की कि गुरुदेव आपके यहाँ पे आए हैं। आजकल तो क्या है महाराज, फैशन का जमाना है, फैशन का जमाना, और फैशन में भी ओवर एक्टिंग्स का भी तो जमाना है।
अभी मैं पीछे कथा कहने गया तो वहां पे श्री रंगजी मंदिर के दर्शन करके आया, तो दर्शन करने में एक कोई बाहर से कोई जाने मुंबई से कहां से कोई आए हुए थे, तो ऊपर से भगवान के स्नानम जो स्नान का जल है उससे छींटा दिया, ऐसे ऐसे छींटा दिया, तो उस दंपति के ऊपर पड़ गया छींटा। तो उसने ओ उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, और जैसे मुख में चला गया ओहो, उसने उसे ऐसे थुदू ऐसे किया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और महाराज उसका बच्चा अगर सूसू कर दे ना, वो खारा हो कुछ और उसमें भी सूसू कर दे, तो वो सूसू को अलग कर देगा, कहेगा पूत का मूत प्रयाग को पानी, पूत को मूत प्रयाग को पानी, वो तब तो उसको सहन हो जाएगा, लेकिन भगवान ने अतिशय कृपा करी है तो उसको सहन नहीं होता। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं भैया, बिड़लो बिड़लो को ही सहन होता है। भगवान के देखो तिलक और कंठी की बड़ी दिव्य बहुत बहुत महिमा है, भरा पड़ा है शास्त्र, भरा पड़ा है शास्त्र। जब हम लोग तो एक और बात सुनो, हम लोग अभी महाराज जी ने क्या कहा, इसमें दुख उसमें दुख, इसमें दुख उसमें दुख, सब दुख है। गर्मी लगी एसी आ गया, एसी आ गया किस लिए, सुख मिले। थोड़े दिन में एसी आ गया तो घुटने दर्द करने लग गए, डॉक्टर ने कहा एसी काहे को चला रखा है तुमने, एसी बंद कर दो। वो दुख के लिए समान जोड़ा, सुख के लिए वो समान दुख में परिवर्तित हो गया कि नहीं। हम अपने सारे एफर्ट्स लगा लेते हैं लेकिन दुख हमारा कम नहीं होता, लेकिन दुख किससे जाएगा, किससे जाएगा दुख, भगवान के नाम से, हरि नाम से। जप बल तप बल और बाहुबल चौथो है बलदाम, सूर किशोर सबन विधि सो हरि हारे को हरि नाम। अरे सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। जो निर्बल हैं, हम लोगों जैसे खूब प्रयत्न कर लिया सुख का पर बात नहीं बनी, हम सब निर्बलों के बल केवल और केवल श्री कृष्ण हैं। इसलिए उनका नाम अवश्य लेते रहिए, तिलक और तुलसी अवश्य धारण करते रहिए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा करते तो नाम हमारे बीच में। और एक प्रभु जी वो थोड़ी आपको एकादशी आप लोग रखते हो, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो, हाथ उठा कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो, बहुत अच्छी बात है, आप रखती हो, बहुत अच्छी बात। हाँ देखो हमारे शास्त्र में अभी कथा सुन रहे थे, हमारे शास्त्र में जो विधि विधान दिया है ना, हरे कृष्ण इधर सुना, अरे हाँ हमारे शास्त्र में जो कुछ बात बताया है ना, वो सब के सब साइंस के ऊपर में आधारित है। ऐसे मत समझो ऋषि मुनियों ने ऐसे बेकार बेकार से व्रत रखना, एकादशी रखना, कंठी तिलक नाम सब उल्टा पुलटा बोलते, नहीं, इसमें इसका अंदर बड़ी साइंस छुपा हुआ है, सारे साइंस हैं। आप लोग स्कूल में पढ़े हो, देखना एक साइंटिस्ट आकर के वो अपना एक फिलोसफी बता कर जाता है, लेकिन दूसरा साइंटिस्ट आकर उसको काट देता है। इसलिए कभी कभी बच्चों का पुस्तक बदली जाती है, क्यों, उसी साइंटिस्ट ने ये बात बताया और इसी साइंटिस्ट ने ये बात बता दिया, काट दिया फिलोसफी। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा हमारे भागवत का कोई एक अक्षर बदला, भगवत गीता की कोई श्लोक बदली, रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरित मानस का कोई एक प्यार बदला, अभी लोग आप लोगों ने देखे हो कहीं, कभी नहीं बदली, क्यों, ये ऋषि मुनि लोग जो जो नियम रख कर गए, ये सब के सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, साधारण साइंटिस्ट नहीं, अभी का जैसे साइंटिस्ट नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। इसलिए उनका ग्रंथ में कोई हमारे वेद पुराण में कोई एक लाइन भी अभी तक नहीं बदली है। इसलिए एकादशी क्या चीज है, एकादशी क्यों करनी चाहिए, एकादशी करने से क्या होता है, हमारे एक प्रभु जी ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका भी तनख्वाह कर 1,00,000 रुपया था, लेकिन उन्होंने छोड़ करके मंदिर में बाबा बनकर भजन कर रहे हैं। इसलिए ये भी इस विषय वर्ग से बोले, खड़े हो जाओ, खड़े कर, माता जी कहाँ जा रहे हो, अज्ञान्ते मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द, सभी एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। देखो हम आज गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि जिस घर में कथा कीर्तन होता है क्या सर्वाणी तीर्थाणी वसंति तत्र, इस घर में बैठे बैठे ही सब तीर्थों में तो स्नान हो ही गया है। हमारे एक पूर्व आचार्य हुए हैं जिनका नाम हुआ है भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते हैं कि जे दिन गृहे भजने देखी गृहे ते गोलोक भय, कि अर्थात जिस जगह पर भगवान का कथा कीर्तन होता है वो साधारण स्थान नहीं है, वो भगवान का धाम बन जाता है, वो साक्षात भगवान का गोलोक धाम बन गया है, तो ये जगह भी साधारण नहीं रही। उसी कीर्तन में बतलाते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी को भक्ति करनी है, अगर किसी को भगवान का भजन करना है, तो ये उनको एकादश तिथि पालन करनी चाहिए। कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, कि अगर किसी को भगवान का भजन करना हो, भक्ति करनी हो, तो भक्ति का मूल कौन है, भक्ति को कौन जन्म दे सकती है, ये एकादशी तिथि। एकादशी तिथि ही भगवान के भजन को, भगवान की भक्ति को जन्म देगी, इसी से ही आपकी भक्ति पुष्ट हो सकती है। हम लोगों ने अभी श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार भजन करने के लिए अलग अलग चीजों की आवश्यकता है, ये एकादशी उसके अंदर एक प्रमुख रोल अदा करती है। गुरुदेव के मुखारविंद से हमने श्रवण किया किस प्रकार हमारे शास्त्रों में सारे जो विधि यहाँ बताई गई है, साइंटिफिक तरीके से भी यदि देखोगे तो उनका बड़ा ही लाभ है, बड़ा ही लाभ है। देखो हम हर रोज जिस प्रकार हमारे शरीर को क्या बताया, एक मशीन बताया गया है। आप देखो अगर कोई मशीन को आप कंटिन्यूस चलाओगे, लगातार चलाए रखोगे, तो वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, है ना, खराब हो जाएगी, बीच बीच में उसको रोकना पड़ता है। फ्रिज की सर्विस करवाते हो कि नहीं, बीच बीच में एसी को हर सीजन में गैस चेंज करवाते हो, हाँ, कोई भी मशीन क्यों ना हो उसको बीच में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है कि नहीं। ऐसे ही हमारा ये शरीर भी एक मशीन है, इसको सुबह शाम बस खाते रहोगे खाना, उसके बाद में पेट के अंदर जाके ये पचता है, डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद में नीचे के द्वारों से निकल जाता है। तो ये साइकिल जो है, ये चक्र चलता रह रहा है, खाना, हजम होना और निकाल देना, खा जा, हजम होना, निकाल देना, ये चक्कर जो चल रहा है, ये मशीन कंटिन्यूस चल रही है, चलती है कि नहीं। इसीलिए क्या बता रहे हैं कि 15 दिन में एक बार इस साइकिल को रोक दो, इस साइकिल को रोक दो, जो अन्न दाल रोटी सब खाते हो हर रोज उसको रोक दो, और क्या करो, थोड़ा सा फास्टिंग करो। फास्टिंग मतलब भूखे रहो। भूखे रहने पर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होती है, क्योंकि पेट का काम क्या है, उसके अंदर जो एसिड वगैरह रिलीज होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो अंदर की गंदगी को फिर खाने लग जाते हैं, हमारे शरीर की गंदगी को खाने लग जाते हैं। तो जिस प्रकार ये मशीन अगर चलती रहेगी तो इसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर बीच में इसको रोक दोगे, 15 दिन में एक बार व्रत रखो, एकादशी के दिन, जैसे बताया पहले पहले के लोग क्या करते थे, निर्जला एकादशी रखते थे, आज के समय पे तो वो संभव नहीं है। लेकिन क्या बताते हैं कि अन्न मत खाया करो, क्यों, क्योंकि अन्न के अंदर क्या होता है, जैसे एक स्पंज देखा है, स्पंज देखा है ना सबने, सोफे के अंदर जो गद्दा जो स्पंज जो होता है, फॉर्म को अगर पानी में डालोगे क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेता ना, पानी सोख लेता है। ऐसे ही हमारे शरीर जो है, इसके अंदर अगर हम अन्न डालेंगे, अन्न क्या है, एक फॉर्म जैसा है, स्पंज जैसा है, अगर हम एक अन्न खाएंगे तो वो पानी मांगेगा, हमको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, प्यास लगेगी। आप देखोगे समुद्र के किनारे पर, देखोगे आप जो लहरें उठती है ना, लहरें उठने का क्या कारण है, ये चंद्रमा आकर्षित करता है, चंद्रमा आकर्षित करता है पृथ्वी को, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ये चंद्रमा आकर्षित करता है पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी में तो बहुत ज्यादा भार है, पृथ्वी को आकर्षित कर नहीं पाता, तो पृथ्वी के ऊपर जो पानी है 70% पानी है, उसी पानी को आकर्षित करता है, इसलिए समुद्र के अंदर लहरें उठती है। आप देखोगे एकादशी से पूर्णिमा के दिन में बहुत ज्यादा लहरें उठती है, होता है कि नहीं, देखा है किसी ने, सुना होगा जरूर कि पूर्णिमा से, एकादशी से पूर्णिमा तक ज्यादा लहरें उठती है। उसका कारण क्या होता है, चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है ना, तो तब ये पानी को आकर्षित करता है। अगर हम एकादशी के दिन अगर हम भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी अगर आप देखोगे ना क्या है, मैक्सिमम परसेंट पानी है, मैक्सिमम परसेंट 70% कुछ पानी है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे कि काफी ज्यादा परसेंट पानी है इसके अंदर। तो अगर हम अन्न खाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर को भी ये चंद्रमा आकर्षित करेगा, और इसी के कारण आपने देखा होगा जो जिन लोगों के, बूढ़े लोगों के घुटनों में दर्द होता है, किस वजह से, इसी कारण से, क्योंकि आप देखोगे एकादशी से पूर्णिमा के दिन में ही लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होती है, वो कारण यही है, चंद्रमा जिस प्रकार ये पृथ्वी को आकर्षित करता है, अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे, उस हमारे शरीर में ज्यादा पानी रहेगा, तो उससे हमारे शरीर की को भी ज्यादा व्यथा होगी। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ये नियम बताया गया है कि एकादशी के दिन क्या करो, अन्न मत खाओ, अन्न मत खाओ, फल इत्यादि खाओ, फल खाओगे तो उससे ज्यादा भूख प्यास नहीं होगा, और उससे क्या होगा,
शास्त्र के हिसाब से जो परमार्थिक लाभ है वो तो होगा ही, साथ साथ में आपको शारीरिक लाभ भी होगा। ऐसे अनेक अनेक प्रमाण बताए गए हैं एकादशी करने के लिए। मूल रूप में क्या करना, कैसे भी समझ लो, अगर साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हो वैसे समझ लो, भक्ति मार्ग में अगर चलना चाहते हो उस तरीके से समझ लो, लेकिन एकादशी करना बहुत जरूरी है। एकादशी को यदि पालन करोगे तो उससे हमें भक्ति प्राप्त होगी। यही कह के मैं जो एकादशी है, देखो ध्यान देकर सुना, कोई आप लोग सोमवार करते होगे, कोई मंगलवार करते होगे, कोई शुक्रवार, कोई व्रत रखते है ना, कोई अब से माता व्रत रखती है ना, इसलिए हर व्रत का एक एक ही फल। लेकिन एकादशी ऐसे एक व्रत है, ये एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत। कौन सा व्रत है? कल्पतरु मतलब जानते हो, कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जिस पेड़ को नीचे बैठ करके जा जो कुछ आप मांगोगे, जो कुछ इच्छा करोगे वो वृक्ष वही दे देता है। अब लोग पास में गीता, ये आपको एकादशी का कोई पुस्तक आपको पास में, अगर किसको पास में एक बार पढ़ लेना। देखो एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब है जिनके घर में पुत्र जन्म नहीं होते, अगर वो पुत्रदा एकादशी करोगे ना घर में बेटा जन्म लेगा। इसलिए भागवत में बताया नंदोवा घर में बेटा नहीं था, उन्हें सारे व्रत कर चुके थे, सारे तपस्या सारे यज्ञ कर चुके थे, लेकिन उनके घर में बेटा ही नहीं। एक दिन नंद यशोदा ने सोचा अभी तक था मैंने सारे व्रत कर चुके हैं, लेकिन ये पुत्रदा एकादशी व्रत नहीं रखी। जब उन्होंने ये पुत्रदा मतलब जो पुत्र को जन्म देता है, जब उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखी ना, फिर उनके घर में कान्हा जन्म, कृष्ण जन्म हुई। इसलिए एक एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिनके घर में पैसा की कमी है, घर में पैसा की कमी, अगर वो एकादशी व्रत रखेगा ना घर में खूब माल आएगा। बता माल किसको नहीं चाहिए, माल तो सबको चाहिए हैं। इसलिए उसका नाम इंदिरा। एक एकादशी का नाम है अन्नदा, अन्नदा मतलब जिनके घर में अन्न शस्य की अभाव है, अगर वो एकादशी करोगे ना घर में खूब अन्न आएगी। एक एकादशी का नाम मुक्सदा, जो एकादशी व्रत करोगे तो संसार से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, पाप मोचनी मतलब क्या है, जितने दुख कष्ट भोग क्यों कर रहे हैं ये पाप का फल स्वरूप है, इसलिए उसका नाम पाप मोचनी। अगर वो एकादशी व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगी। आप पढ़ करके देखना हर एकादशी का अलग अलग नाम है, एक ही नाम नहीं। इसका मतलब है अगर आप एकादशी व्रत करके जो कुछ मांगोगे ना आपको सारी इच्छा ये एकादशी व्रत से ही पूरी हो जाएगी। ऐसे एक व्रत है जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार कोई कोई व्रत रखते होगे ना, अगर आप ये व्रत नहीं रखोगे आपको कोई हानि नहीं है, आपको कोई हानि नहीं होगा। लेकिन अगर एकादशी व्रत नहीं रखोगे ना, कहते अन्न में उसी दिन पांच तरह का सबसे बड़े बड़े पाप है। देखो ध्यान देकर सुन लो, एक पाप है भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या जानते हो, पेट में बच्चे रहते हुए बच्चे को जो मार डालते हैं। दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मण को मारते हैं। तीसरी हत्या है गो हत्या, जो गैया को मार देते हैं। चौथा आता है माता की जो मार देते हैं। पंचम हत्या है जो पिता को मार देते हैं। कहते ये सबसे जो बड़े बड़े पाप है वो एकादशी का दिन अन्न में आश्रय करके रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करते हैं वो सारे पाप उसको भोगना पड़ता है। इसलिए ये एकादशी जरूर, एकादशी व्रत को आप लोग जरूर रखा करो। आप लोग कहीं भागवत सुने हो, कौन कौन भागवत सुने हो? कोई कोई कहते ना अरे एकादशी तो विधवा को करनी चाहिए, सधवा को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कुछ कुछ बोलते ना। भागवत पढ़ करके देखो, क्या मैया जसोदा विधवा थी? नहीं थी। अब भागवत पढ़ करके देखो, जिसको अंबरीश महाराज अपना पत्नी को साथ में मथुरा में आकर के एकादशी व्रत रखे, जिसमें दुर्वासा जी आए, कथक सुने होंगे आप लोगों ने भागवत में। इसलिए एकादशी का इतना महत्व, दुर्वासा शंकर जी का बता, उनको पर बिगड़ गए तो ये सुदर्शन चक्र, जो एकादशी व्रत रखते हैं उनका सुदर्शन चक्र स्वयं रखा करते हैं, सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो गई और उन्हें जो राक्षस को प्रकट किया था मार डाले, फिर दुर्वासा को पीछा किया, उसने ब्रह्मा जी को शंकर वैष्णव उन्होंने विष्णु को पास तक भी गए, ठाकुर भी नहीं रखा किए। इसका मतलब है जो एकादशी व्रत रखते है ना उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको अगर उसमें कोई एकादशी नहीं करे, जो विरोध करता है उनको रक्षा नहीं करता है, छोड़ता नहीं, और उनको हर समय सुदर्शन चक्र ठाकुर जी की रक्षा करते हैं जो एकादशी व्रत रखते हैं। इसलिए अब लोग अब संसार में देखे होंगे
जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है, सालों सालों से पड़े हुए, मृत्यु हो ही नहीं रहे। आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ, बोले बाबा इसकी कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, बड़ा कष्ट भोग कर रहे। आप किसी ब्राह्मण को बुला कर पूछो वो क्या बोलेगा, बोला कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हो, वो और कोई बार व्रत का नाम वो नहीं लेगा, वो बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके इसका फल आप इसको दे सकते हो। इतने महिमा, हमने कितने सारे जगह पर गए, एक समय में यूरोप गया था प्रचार करने के लिए, एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, प्राण उसको गले में अटक गया था, प्राण नहीं जा रहा था, इतने कष्ट भोग कर रहा था, इतना कष्ट। तब उनको पता चला भारत से कोई साधु आए, तब मेरे को हॉस्पिटल में बुला करके ले गए, बोले बाबा ये 2 साल से पड़े हुए, इतने पैसा खर्चा हो रहे हैं, इनकी सदगति नहीं हो रही, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इनके उद्धार कैसे होगा, मृत्यु जल्दी कैसे होगी। मैंने कहा अब लोग एकादशी व्रत करके फल दे दो, बोले अभी 10 दिन ही बाकी है, इनका कष्ट देखा नहीं जा सकता है। मैंने कहा एक काम करो, सबका हाथ में मैंने फूल दिया, पानी दिया, बोले संकल्प करो, संकल्प ये करो हम पूरा परिवार मिल करके एकादशी का फल इनको देते हैं। जब उन्होंने संकल्प किया ना, मैं जो हॉस्पिटल में आ गया, 2 घंटा बाद में फोन आया, बोले बाबा हरे कृष्ण, दो घंटा बाद में फोन आया, बोले बाबा इनकी सदगति होगी, इनकी सदगति होगी, उधार होगी। इतने महिमा ये एकादशी व्रत की। इसलिए अब लोग भले ही सोमवार मंगलवार कोई व्रत रखने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये एकादशी व्रत को जरूर रखा करो। एकादशी व्रत बांके बिहार की विष्णु राम का भक्ति है, व्रत है, कहते ना जहाँ पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सबको, जिसको पर में ठाकुर को कृपा हो जाए ना उसको पर सबका कृपा अपने आप उसको पर हो जाता है। इसलिए जो लोग रखे आप लोग को धन्यवाद है, और जो नहीं रखते हो कोशिश करना अगली बार से एकादशी व्रत को, अगली बार से एकादशी व्रत रखने के लिए, ठीक है ना। हाँ देखो फिर कुछ कुछ लोगों का शंका है, बोले फिर इसके लिए उद्यापना करना पड़ता है, कोई बोलते है ना इसके लिए भैया उद्यापना करना पड़ता, नहीं हमारी भक्ति जगत में कोई उद्यापन का कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक एकादशी व्रत रखो, जब तुम्हारी समर्थ नहीं है, हैं समर्थ नहीं है अब एकादशी व्रत को छोड़ सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, भक्ति में कोई दोष नहीं है, जब तक तुम्हारी समर्थ तब तक रखो, ठीक है ना। और जैसे ये कोई शुगर का पेशेंट होगा, कोई किसको शुगर की बीमारी होता है, कहते बाबा हम तो व्रत रहा नहीं जा सकता है, हम तो खाना पड़ता है। हाँ ध्यान देकर सुनो, तुम लोग मेरे को भी शुगर है, हाँ ध्यान देकर सुनो। इसलिए आप अगर जैसे भूखे रह नहीं सकते हो, खाने के लिए बहुत सारी चीज जैसे पपीता का सब्जी, कच्चा केला का, काशी फल का सब्जी बना करके, जैसे अब सवेरे अगर ज्यादा भूख लगता है अब खा सकते हो, 2 बार नहीं 3 बार भी अब खा, 4 बार भी खा सकते हो, कोई फल मूल छाछ पी सकते हो, दही पी खा सकते हो, दूध भी पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकादशी का दिन अन्न को मत खाया करो, ये अन्न में ये पाप है, ये अन्न में ये पाप है, इसलिए 2-3 बार खा लो, जिसको बीमारी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल अन्न भोजन को मत किया करो। और द्वादशी का दिन, दूसरे दिन द्वादशी में एक समय होता है, इसी समय के अंदर में ये व्रत को खोलनी चाहिए, व्रत खोलनी चाहिए मतलब जैसे एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करते हैं, दूसरे दिन कभी 9 बजे कभी 10 बजे के अंदर में होता है, ठाकुर को भोग लगा लो, रोटी का एक टुकड़ा खा लो, नहीं तो थोड़ा मुंह में एक दाना चावल खा पा लो, मुंह में डाल दो, तुम्हारी व्रत खुल जाएगी। इसलिए एकादशी व्रत अब लोग जरूर करना, ठीक है, बोले सी एकादशी व्रत की। और जो तीसरा चीज, 2 चीज हो गया ना, एक गला में क्या हो गया पासपोर्ट और एक हो गया वीजा, लेकिन अभी बाकी रह गया टिकट, अभी बाकी रह गया, बोले ये टिकट किया है जाने के लिए, भगवान को पास में जाने के लिए टिकट का जरूरत है, बोले टिकट किया है, बोले भगवान का नाम ही ये टिकट है, ये भगवान का नाम ही टिकट। आप लोग देख लेना, भले ही जीवन में तुम जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय होता है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोग देखे हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, जोर से बोला, यही बोलते है ना, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते है ना, जगत में ना सत्य हो तो भगवान का नाम ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भगवान का नाम यही टिकट है, अगर ये टिकट तुम्हारे साथ में है ना,
फिर तो तुमको भगवत धाम में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकते, तुमको कोई रोक नहीं सकते। और एक चीज है, कितना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे अन्न खाओगे ना मन भी तुम्हारे वैसे बनेगा। अगर भगवान की एक काम करना, जो कुछ जो खाओ भगवान को भोग लगा कर खाया करो। ठाकुर जी को भोग लगाते हो? कौन कौन भोग लगाते हो? हाथ उठा। हाँ धन्यवाद, अब लोग आपके लिए ताली बजाओ, ठाकुर को भोग लगाओ, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सुदामा का नाम सुने होंगे ना, ये पहले बहुत गरीब रहा लेकिन बाद में बड़ी बहुत धनी बना। बोले क्यों, पहले गरीब क्यों बना बाद में धनी क्यों बना? आप टीवी में देखे होंगे जब कृष्णा सुदामा अपना गुरुकुल में गए थे, एक दिन उनको गुरु माता उनको जंगल में भेजा और उन्होंने सुदामा जी को चिड़ चाना दिया था, बोले कृष्ण को देख रहे खाई हो। अब देखे होंगे ना, उसने ठाकुर को से छुपा छुपा कर खाई, ठाकुर को नहीं दिया, इसलिए ये गरीब बना। लेकिन धनी का बना, जब उसको पत्नी को पता चला, अरे इनका बचपन का दोस्त तो द्वारका अधीश, बोले ठाकुर को दर्शन करके आओ। बोले खाली हाथ में नहीं जानी चाहिए, केवल उन्हें दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए थे। अब देखे होंगे ठाकुर जी एक मुठ्ठी खाए, दो मुठ्ठी खाए, जब तीसरी मुठ्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोले नहीं प्रभु, अपने दो मुठ्ठी खा लिया मतलब उस घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुठ्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी दासी बन जाऊंगी। अब देखे टीवी देखे होंगे, जब उन्हें घर में वापस आया, उन्हें क्या दिखा? सोने की महल, सोने की महल। अपना पत्नी को पहचान नहीं पाया, पत्नी उनको आरती उतारने के लिए आ रही थी और वो पीछे पीछे जा रहा था। बोले तू कौन हो? बोले मेरे को पहचान नहीं पाया। बोले तू है कौन? बोले मैं आपका वही पत्नी सुशीला ना। बोले ये क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी दो मुठ्ठी खाए तो सारे ऐश्वर्य, ठाकुर जी सारे ऐश्वर्य उनको दे दिया, इसलिए घर में जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे ना, घर में खुश लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में खूब माँ लक्ष्मी की खूब कृपा होगी। लेकिन अगर उसमें प्याज लहसुन डालोगे तो फिर भोग नहीं लगा सकते, इसलिए प्याज लहसुन को नहीं खानी चाहिए। जैसे नवरात्रि होता है ना, आप लोग रखते हो नवरात्रि, 9 दिन तक प्याज लहसुन खाते हो? कोई कोई खाते हो? नहीं खाते हो। बोले क्यों नहीं खाते हो? क्या 9 दिन तक मुर्गा दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा? इसलिए जो 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 माता जी को पसंद नहीं, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है ना, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। इसलिए प्याज लहसुन का जो सृष्टि है वो गंदी चीज से प्याज का सृष्टि हुई। हमारे कहो प्याज ठाकुर भोग दिए कर लगने अभी से कर बस लंबा भी बन। ये एक देखो, एक छोटी सी कहानी सुन लो, ये प्याज लहसुन हम क्यों नहीं खाते? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम जो ठाकुर जी को अभी सेवा कर रहे हैं, अभी जानना बहुत जरूरी है कि सेवा जो हम कर रहे हैं उसमें शुद्धता है या नहीं, क्योंकि भगवान गीता में खुद कहते हैं दो प्रकार की शुद्धता अति आवश्यक है भगवान की सेवा में, एक बाह्य और एक अंतर, अंतर मतलब भीतरी और बाहरी, ये दोनों प्रकार की शुद्धता जरूरत है। और बाहर प्रकार की शुद्धता कैसे हो, अंदर से शुद्धता कैसी हो, ये दोनों को हमें जानना पहले जरूरी है। अंदर से तो अभी हमने सुना है ना गुरुजी क्या कह रहे थे, एकादशी, तो एकादशी करना है। और एकादशी में आप लोग कहोगे कि क्या खाएंगे, तो अभी आप लोग खा खू करके यहाँ बैठे हो, इतना बढ़िया, ऐसा आपने कहीं भंडारा नहीं देखा होगा, इतना बढ़िया खीर है। हमारे मंदिर में तो बाबा लोग कहते तो भैया कब एकादशी आएगा, रोज क्या खाते हो? रोटी सब्जी खाते हो ना रोज रोज, लेकिन एकादशी पकौड़ा खाए ना, मूंगफली खाए ना, खीर खाए, घर रोज रोज खीर बनता है। इसलिए हमारे मंदिर बाबा लोग कहते हैं भैया कब एकादशी आएगा, अभी एकादशी आ ही नहीं रहा है, रोज रोज तो रोटी चावल खाते हो लेकिन 15 दिन में एक बार कम से कम तो बदल जाती है, हाँ बदल जाती है एकादशी की आग। इसलिए हम तो बाद में कथा के बाद में ही प्रसाद का था, पहले ही हम लोग प्रसाद कर लिए क्योंकि आज एकादशी है। ठीक है, फिर दूसरा कहते ना, फिर अंदर से और है हरि नाम से, हरि नाम ये रामबाण इलाज है। अगर हमें अंदर से टिकट अगर नहीं हो तो जो व्यक्ति के पास देखना टिकट नहीं होता ना, मान लो आप बिना टिकट के आप ट्रेन में गए हो तो अगर समोसा वाला भी आ गया ना आपको लगेगा अरे टीटी तो नहीं आया, ऐसा होता है।
इसीलिए ये अंदर से शुद्ध है। और बाह्य से शुद्धि कैसे है? खान पान से और संग से। जैसा हम करेंगे संग वैसे चढ़ेगा, और जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसीलिए भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। कहते हैं जैसे जिस प्रकार से हम प्रसाद पाते हैं, देखो एकदम से तो छूटा नहीं जाता जो भी हम खा रहे हैं, तो इसीलिए हमें चेष्टा करनी चाहिए। अगर हम प्याज लहसुन दोनों खा रहे हैं, लहसुन अगर हमें ज्यादा आसक्ति नहीं है, लहसुन धीरे धीरे छोड़ सकते हैं तो छोड़ने चाहिए, प्याज को धीरे धीरे करके छोड़ने चाहिए। क्योंकि ये क्या है, ये प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कैसी हुई है, यदि हमें वास्तव में पता चलेगा तो फिर हम नहीं खाएंगे। इसीलिए पुराणों में इन प्याज लहसुनों के ऊपर कथाएं हैं। इसमें दो कथा आती है। सबसे पहला, जो जिस समय आप जानते होंगे अमृत मंथन का समय हुआ, देवता और असुर में युद्ध होने के लिए तैयार थे। भगवान विष्णु की आज्ञा से, ब्रह्मा जी के नेतृत्व से, अध्यक्षता से क्या हुआ, देवताओं के और असुरों के भीतर क्या हुआ, ये समुद्र मंथन हुआ। तो उसमें जो अमृत निकला, अभी ये अमृत को दोनों के बीच में लड़ाई हो गई कि हम पान करेंगे, वो कहते हैं हम पान करेंगे। इतने में क्या हुआ, भगवान ने मोहिनी वेश लेकर के आए, और वे इतने सुंदर थे, और जो राक्षस होते हैं ना वो हमेशा ऊपर ऊपर चाक चक्कियों में बहुत मोहित हो जाते हैं, वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए वो बुद्धि के मारा हो गए। और उनको अच्छा लगने लगा जब मोहिनी की इस प्रकार रूप को देखा। अब मोहिनी आई और अपनी बातों की जालों से उनको फंसा दी। मोहिनी बोले देखो, पहले जो ऊपर ऊपर का जो पतला द्रव चीज है ना, वो पानी पानी सा, उसको तो हम क्या करेंगे, पहले देवताओं को पिला देते हैं, बाकी बाद में जो रहा, मैं तो हुई सुंदरी और मेरे हाथ से जो गाड़ी गाड़ी चीज मैं पिलाऊं, आहा क्या कहना, इसलिए तुम लोग जरा बैठो। जब वो देवताओं को पिला रहे थे, इतने में सूर्य और चंद्रमा जो दोनों देवता थे उनके बीच में एक राक्षस दैत्य आकर के बैठ गया, उसका नाम था स्वरभानु। तो वो जैसे बैठ गया, अब इतने में क्या हुआ कि सब लोग तो ठाकुर जी मोहिनी अवतार में सबको पान करा रहे हैं कि अमृत, उससे पता चल गया कि भाई ये तो विष्णु तो सबको पिला देंगे, ये मोहिनी जो है, फिर हमारे लिए बचेगा नहीं बचेगा। इसीलिए वो क्या किया, अपने भाइयों को बिना कहे ही जाके देवताओं की लाइन में बैठ गए। इतने में जैसे ठाकुर जी आए और उसको दिया, तो थोड़ा सा उसने पी लिया था। अब पी लिया तो अमृत, अमृतत्व प्रदान कर देती है। जैसे पी लिया, इतने में सूर्य चंद्र बोले कि ठाकुर जी आप तो बड़े छलना कर देते हो, पर ये तो आज आपको भी छल दिया। बोले वे कैसे, बोले ये तो दैत्य है, देवता के वेश में हम दोनों के बीच में आके बैठा है। बस ठाकुर जी देखा और उनको आया क्रोध, अपना सुदर्शन चक्र से उनका वो जो दैत्य था राक्षस उसका गला काट दिया। तो राहु केतु के रूप में जो असुर था, अब उसने ये राहु केतु आप लोग जानते हैं, यही वो राहु केतु है जिसका सर और धड़ अलग अलग है। तो इस प्रकार से उस समय जिस जो रक्त उसके जो कटे हुए गले में से जो रक्त और हड्डी और मांस गिरा है, वहां से प्याज लहसुन और मलका की दाल की उत्पत्ति हुई है। जहां पे उसका मांस गिरा उस स्थान से प्याज की पौधा निकल करके आया। इसीलिए जो व्यक्ति प्याज खाता है वो प्याज नहीं खाता, वो क्या खाता है, स्वरभानु दैत्य का मांस खाता है। सब इसीलिए मांसाहारी हो जाते हैं। हम कहते हैं हम तो मांसाहारी नहीं, हम तो, आप लोग जयपुर में जाओगे ना, आप लोग इधर हरियाणा साइड में जाओ, पवित्र भोजनालय लिखा हुआ तो मिल जाएगा, पर सबसे पहले आपको उस जो उसके ऊपर ना पत्ता गोभी प्याज टमाटर ये सब आपको देखने को मिलेगा, उनको पता ही नहीं ये क्या है। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा पापी का भागदार कब बन जाते हैं, जब हमें कोई पता नहीं होता। और जहां पे उसकी हड्डी गिरती है वहां पे लहसुन की उत्पत्ति होती है, और खून से मलका की मसर की दाल। तो ये इसीलिए हमें इन तीनों चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन तामसिक चीजों को खाएंगे तो देखना, जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वो वहां पे बहुत गंदे गंदे चीजें खाने के लिए मिल रहा है, आपकी वाणी भी वैसी ही हो जाएगी। ज्यादा झगड़ा कहाँ पे होता है, वेज रेस्टोरेंट में नहीं होता, जो नॉन वेज आदि खाते हैं ना वहां पे ऐसे ही लोग वहां पे जाते हैं। देखो आप अगर कोई चोर है ना, ऑटोमेटिक एक चोर अगर किसी के अंदर चोरी करने की वृत्ति होगी वो उसी के पास जाकर के बैठेगा। एक पुलिस ऑफिसर आएगा, बहुत लोग होते हैं पर वो एक पुलिस ऑफिसर के पास ही बैठेगा। तो इसीलिए जिसके मन में जिस प्रकार की वृत्ति होगी वो उसी प्रकार के आसक्त होगा, पर जिसके
हमारे मन में ये चीज को हम स्थान दे क्यों तभी हम ऐसे बन जाते हैं। इसीलिए हमें खुद को सात्विक रखना है तभी हम ठाकुर जी को भोग लगा पाएंगे। हम सोचते हैं कि हम तो जो भी खाते हैं भोग लगा देते हैं। नहीं, अभी हमारे वो स्थिति नहीं है। अभी हमें शास्त्र की तरीके से जो ठाकुर जी खाते हैं उसको हमें खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को हमारे एक दो ऐसे भी भक्त हैं ठाकुर जी को जाते हैं बाथरूम भी जाते हैं ठाकुर जी को बाथरूम लेके जाते हैं और ठाकुर जी के लिए भी वो सब शौच क्रिया का भी वो बना रखा है। अब उनको कौन बताएगा, इसीलिए पता नहीं है लोग वहां को। इसलिए आप लोग ठाकुर जी की अगर सेवा करनी है तो प्याज और लहसुन इत्यादियों को त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। और प्याज लहसुन जो है इसमें ये पाप है। भगवान गीता में कहते हैं कि भुंजन्ति तो अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। और अगर हम प्याज लहसुन डाला हुआ कोई चीज खाते हैं एक तो वो भोग नहीं लग सकता, तो जो भोग नहीं लगा वो पाप हुआ। और जो प्याज लहसुन है वो तो वैसे ही मांस है, तो फिर हम प्याज लहसुन खाए या पाप खाए, क्या खाए बताओ? तो आप लोग खाओगे मांसाहारी बनोगे, इसीलिए प्याज लहसुन की त्याग करना है। धीरे धीरे कोशिश करना एक साथ में एक साथ में छोटे करना है उसको, धीरे 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 ना, जैसे परिवार में सब खाते हो ना। कौन कौन खाते हो? शर्म नहीं करना, बोलो। लहसुन नहीं खाते हो? इसलिए धीरे 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 ना, धीरे 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 उनको प्रसाद खिलाओगे, ठाकुर को प्रसाद खिलाओगे ना, धीरे धीरे सब छूट जाएगी, धीरे धीरे सब चीज छूट जाएगी, कोई चिंता मत करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब लोग मेरे तरफ में देखो, इधर देखो। हाँ, ये माला है। ये क्या है? माला। माला मतलब होता है ये मन को विषय से जो ले करके ला करके ठाकुर जी के चरण में दे दे, इसलिए उसका नाम माला। इसलिए कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम है, हैं? भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर की। अब लोगों ने एक दिन भगवान ने ठाकुर ने कुछ कुछ भक्त लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिए, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन है। लेकिन भगवान ने कहा देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा। जो लखपति? आज से 5.5 साल पहले। लखपति मतलब होता है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो, सोने की मोहर हो, उसको घर में भजन करूंगा। भक्त लोग तो साधारण थे, बोले प्रभु हमारे घर में 1,000 रुपया तक भी नहीं, 100 रुपया तक भी नहीं। 100 रुपया मतलब जिसको घर में 100 स्वर्ण मुद्रा हो। बोले क्या हमारे घर में आप भोजन नहीं करोगे? हम तो कहीं लखपति बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते वही लखपति। इसलिए मीरा की एक भजन आप सुने होंगे, हाँ मेरे साथ में ताली बजाते हुए एक कीर्तन कर लो। बोले ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ
कभी गाते हुए भजन को है, इसलिए कहते भगवान से बढ़कर के भगवान की नाम है। कहते जिन जिन ने ये मोती लूटे उसको माला माल हुई, बोले कौन कौन, बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। इन लोगों ने देखो सारा दुनिया में जगत में इनकी जय जयकार हो रही है, इसलिए आप मेरे तरफ इधर देखो लखपति कैसे बनोगे। भगवान स्वयं कहते इस तरह पे देखो ये माला है, ये माला जैसे इसमें नाम जप करते हैं। अब लोग मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल कर ना, इसमें एक मति सरकता है। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम दो मति सरकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तीन मति। देखो एक ला कैसे होता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना वाला हो गया, 16 बार। जब एक बार नाम जब पूरा बोले 16 बार, इसमें 108 मति करते करते जब यहाँ खत्म हो जाएगा, इसको पार नहीं करते क्योंकि ये राधा कृष्ण का रूप है, फिर इसको ऐसे घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करते हैं। अगर ऐसे 16 माला अगर कर लिया ना, वो हिसाब से 25,000 हो गया। अगर 64 माला कर लिया तो 1,00,000। ठाकुर जी कहते हैं तुमने 1,00,000 नाम नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो। भगवान खुद कहते हैं, कहते ब्याज कितना मिलेगा, उसको जो ब्याज मिलने चाहिए ना, इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवाय पायो जी मैंने राम रतन। अगर आज अगर 1,00,000 हरि नाम किया ना, कल तुमको 1,25,000 मिलेगा, 1,25,000 चार दिन में, 2,00,000 चार दिन में इतना, और अंतिम समय में ना यही धन ही हमारी काम में आएगा। जगत का कोई धन हमारी काम में नहीं आएगा, एक सुई धागा भी हमारे साथ में चलेगी नहीं। इसलिए हम लोग आज कोशिश करेंगे एक एक माला जप करने के लिए, ठीक है ना, 5 मिनट लगेगा। हम लोग एक एक माला पकड़वाते हैं, ये माला को 5 मिनट मेरे साथ में एक एक माला जप करो, यही सत्संग का यही फल है। इनको एक एक माला दिलवा दो और ये माला वापस दे देना, लेना नहीं माला को। अगर जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, अगर बोलोगे मेरे से 2 बार ले लेना, लेकिन जप करके मेरे को वापस दे देना। जब देखते हैं तो माला हरे माता माता एक सब कहाँ जा रहे हो, डर गई है माला करने से, डर रहे हो भगवान, हाँ सर भगवान का नाम लो। देखो ये सत्संग का जो फल है ना, ठाकुर का नाम ही है। अगर ठाकुर का नाम में रुचि नहीं हुआ तो सब जीवन खाली है सब कुछ। एक बैठो, यही धर्म तो तुम्हारे साथ में जाएगी, नहीं बच्चों को मत दिया करो, ये तो कर लेगा, करनी है जाओ फटाफट दे दो, गोद में रखना गोद में। हाँ सबके पास में देखो, मेरे को देख लो कैसे माला जप करके, मेरे को देख लो इधर देख लो मेरे तरफ में, जैसे ये अंगुल है ना, ये अंगुल को टच नहीं करनी चाहिए। हाँ मेरे तरफ पे देख लो, ये जो अंगुल है ना इसको इसमें लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि अब देखना ये अंगुल सबसे पहले निकलता है ना, हम तुमको देख लेंगे सबसे पहले ये दिखल, इसलिए ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए हम इसको ऐसे ऐसे सीधा सीधा हाथ में देखो, इसको इसी अंगुल पर हाँ, और ऐसे हाँ ऐसे, हरे कृष्ण बैठो। हाँ देखो ये इधर होना चाहिए, इधर इधर सुना हरे कृष्णा। अरे बच्चों इधर ये समझो, आज हम वृंदावन में ठाकुर जी के चरण में हम बैठे हैं। कहाँ बैठे हो, वृंदावन में बांके बिहार जी की चरण में बैठे हो, ये सोच करके भगवान मेरे साथ साथ में जप करो, मेरे साथ साथ में करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक मोती सरके का देखो, आज एकादशी है ना, जो एक माला करेगा उसको 100 माला करने का फल मिलेगा, क्योंकि आज एकादशी आज व्रत है,
हाँ, 100 माला करने का फल मिलेगा आपको, और यही धन अंतिम समय में पूरा काम भी तुम्हारी आएगी। आप बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सबके सब जप कर, जो नहीं करेगा उसका सारे पाप उसका सर पर चले जाएंगे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, खत्म हो गया नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। हाँ, ये जो माला है ना मेरे को वापस दे देना, जिसकी इच्छा होगी हम माला जब करेंगे फिर मेरे से फिर आप ले लेना। हाँ, एक कीर्तन गाते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलो सबके सब, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, मतलब क्या है ये दुनिया में देखना, शराब पीने के लिए लोगों को शर्म नहीं आता, जुआ खेलने के लिए शर्म नहीं आता, बीड़ी सिगरेट फूंकने के लिए शर्म नहीं आता, लेकिन जो थोड़ी माला पहन लेना गले में कंठी माला तिलक, बोलिए क्या ये सब कंठी तिलक पहन लिया, ये सब तुमने किया तो माला जप कर रहे हो, कद इसी उम्र से कोई माला जप करने का उम्र है, लेकिन शराब पिए ना, बोले ना ये उम्र शराब पीने का है, शराब पीने के लिए उम्र है, जुआ खेलने के लिए उम्र, लेकिन भजन करना बोले कोई तरह उम्र है भजन करने का। आप लोगों ने मीरा का नाम सुनी हो, कौन कौन ने मीरा का नाम सुनी है, सुनी हो, कितने साल उम्र से भजन की, 5 साल उम्र से। प्रहलाद का नाम सुने हो, कितने उम्र में भजन की, 5 साल उम्र में। ध्रुव जी का नाम सुने हो, कितने उम्र में भजन की, 5 साल। हनुमान का नाम सुने हो, कौन जानता है हनुमान का नाम, सब जानते हो। बताओ बंदर को घर में कोई पूजा करता है, हनुमान जी खुद कहते हैं सवेरे कोई मेरे नाम ले मेरे मुंह देख लेना दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा, हनुमान खुद कहता है। लेकिन जगत में मेरी पूजा क्यों हो रही है, हनुमान जी कहते केवल एक कारण से, मैं दिन भर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन प्रभु का राम का नाम लेता हूँ, इसलिए जगत में मेरी पूजा होती है, इसी कारण से मेरी पूजा होती है, राम का नाम लेता हूँ इसलिए। अगर हम भगवान मीरा का नाम, जगत में तो बहुत सारी स्त्रियां हुई है, हम किसी स्त्री का नाम अभी याद रखे हो, तुम्हारी मैया का मैया का मैया का नाम क्या तुम्हें याद है, लेकिन मीरा का नाम याद, फिर क्यों, भगवान की भजन किया है। हनुमान का नाम याद कब आए थे, त्याजी तुम्हें किस लिए, एक बंदर को पूजा करते हैं, राम की भक्ति करता था, इसलिए जगत में जो भक्ति करते हैं ना जगत में केवल वही अमर रह जाते हैं,
और जो भक्ति नहीं करते ना खा पी कर मर जाते उसको जगत में कोई पूछते नहीं। इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जिसका दिल मजबूत हो ना वही जप कर सकता है, जिसे कमजोर नहीं कर सकता है, हैं कमजोरी वाला नहीं कर सकते। क्यों बोलेगा अरे दुनिया बोले कुछ कौन सा बाबा जी की चक्कर तू पड़ गई, अभी से तुमने जो माला जप करना किया शुरू कर दिया, अभी से क्या माला जप कर रही हो, बोलेंगे ना। इसीलिए क्या करेंगे, इनका घर का जो बहू कहाँ गई, तुम्हारी बेटी कहाँ गई, इधर इधर आ जा, तुम इधर आ जा, इधर चल दिया कहाँ गई, देखो ये बच्ची को देखो तिलक लगाई, ये नौकरी कहाँ तक तुमने पढ़ी हो, एम कॉम उसने किया है, ये भी नौकरी करती थी, इनकी घर की बहू है जो प्रोग्राम करवा रहे ना, इसलिए नौकरी करती थी, नौकरी भी करती है, अपना बाल बच्चों को भी बच्चों को पालना करती है। इसका छोटा बच्चा कृष्णा खड़े हो जाओ तो, हाँ उधर उधर घूम कर खड़े उधर उस तरफ देखो, छोटे बच्चे को कैसे गले में कंठी माला, इतने श्लोक याद किया ना, सोचकर आश्चर्य में पड़ जाओगे, इतना श्लोक याद किया। भागवत में कहते हैं अगर घर में एक बच्चा तुम्हारी भजन में लगे जाए, एक बेटा उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाता है, भागवत कहता है। लेकिन बेटा अगर तुम्हारी जुआरी गंजड़ी भंगड़ी बन गया, शराबी बन गया, इसका पाप भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, भागवत कहता है उसका पाप तुमको लेना पड़ेगा। आप लोगों ने ध्रुव जी का नाम सुने हो, कौन ध्रुव जी का नाम सुने हो, हाथ उठा जो ध्रुव जी का नाम कौन सुने, हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठा रहे। ध्रुव महाराज का नाम सुने कि नहीं, भागवत में जब ये बैकुंठ जा रहा था ना उनके लिए रथ आया लेने के लिए, बैकुंठ में बैठने जा रहा था, बोले मेरे मैया कहाँ, बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो, बोले आज जो ठाकुर जी मिले ना मैं माँ की कृपा से, मैं जब छोटी माँ की पिताजी की गोद में बैठने जा रहा था मेरे को छोटी मैया ने गाली गलौज की, बोले पिताजी का गोद में बैठ नहीं सकते हो, मेरे कोख से जन्म ले तभी बैठ हो गई, फिर रो रो कर मैया को पास में गया। मैया बोली बेटा ये पिता कब तक रहेगा, ये राज्य कब तक रहेगा, दोनों खत्म होने वाले, ठाकुर का गोद में बैठना था, ठाकुर को गोद में बैठे ना, जिसको गोद में एक बार बैठ जाओगे उतरने वाला नहीं। मैंने माँ की आशीर्वाद से आज ध्रुव लोगों को अमर बन गए, शरीर नहीं छोड़े, मृत्यु स्वयं आया, मृत्यु के सार के ऊपर प्यार रखकर सशरीर में बैकुंठ विजय किया। तो उन्होंने जब बैकुंठ जा रहे थे बोले मेरे मैया कहाँ गई, बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो, बोले मैया के कृपा से आज मैं भजन किया ना, माँ ने मेरे को बोली थी भजन करने के लिए, इसलिए मैया को लिए बगैर बैकुंठ नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने दिखा दिया, देख तेरे मैया आगे जा रही, उसको पीछे पीछे तू जा रहे, क्यों बच्चे को तुमने भजन में लगाया, अगर अपना भजन में बच्चे को लगाओगे ना पहले किस बैकुंठ कौन जाएगा, बैकुंठ कौन जाएगा, माँ जाएगी, उसको बाद में बेटा जाएगा है। इसलिए एक बेटा जगत में भजन करने की इतने महत्व है। देखो एक छोटी सी कथा सुन लो, अगर भजन बेटा अगर नहीं करता उसका कितना बुरी ये है। कृष्णा बैठ जाओ, देखो बेटे का नाम कृष्ण भी नाम रखा, लेकिन अभी हम कुछ कुछ बच्चों का नाम पूछ रहे थे, टुन्नू बुल्लू पिक्की फिक्की सारा दुनिया, विदेश में कुत्तों का नाम को बच्चों का नाम करा है, आप विदेश में जाते हैं, मैं स्वयं विदेश जाता हूँ सब जगह पर, इसको कुत्तों का नाम विदेश में, लेकिन बच्चों का नाम कुत्ते पर नाम धरवाते हैं, हैं भगवान का, लेकिन जितने बड़े बूढ़ों को पूछो सब भगवान राम कृष्ण का नाम लो। लेकिन अभी ये वेस्टर्न कल्चर आकर के ना सारे कल्चर को हमारे खत्म कर रहा है वेस्टर्न कल्चर आकर के। देखो ध्यान देकर सुनो, बोले एक समय एक जोगी पहुंचा स्वर्गलोक में, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया उसको चामरे भजन कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति रत्न सिंहासन में बैठे बैठे रो रहा था, बेहोश हो रहा था। जोगी ने पूछा भैया तू स्वर्ग में आ गया पुण्य करके यहाँ क्यों रो रहे हो, बेहोश क्यों हो जाते हो, ध्यान देकर वो क्या कहता है, बोले मैं बहुत दान पुण्य किया स्वर्ग में आया लेकिन मेरे से गलती हो गई। बोले क्या, बोले मैंने बहुत पैसा छोड़ करके आया हूँ और जो पैसा को मैं छोड़ करके आया हूँ बच्चे जुआ खेल रहे शराब पी रहे मांस खा रहे, चूंकि पैसा को मैंने छोड़ करके आया था इसलिए उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। ये जोगी स्वयं वो व्यक्ति कह रहा है वो कर्म का फल मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है, क्यों पैसा मैंने कमाया था, मेरे पैसा को बच्चे गलत रास्ता पर लगा रहे हैं। इसलिए अगर बच्चे को भजन में लगाएगी इसका पुण्य भी आपको भगवान का धाम मिलेगा, अगर बच्चे गलत रास्ता पर गए ना इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, पहला गुरु पिता माता है, पहला संस्कार पिता माता से पड़ता है, पहला संस्कार माँ सबसे तो पहले माँ से पड़ती है, हाँ संस्कार माँ से पड़ेगी है, माँ जो करेगी देखो उसका माँ भजन करती है, वो बच्चे को बोलो कितना श्लोक बोलेगा, गीता का भागवत का पुराण का, वो बच्चा इतने छोटे छोटे तोतली तोतली बोली से बोलती है, अब सुना उसका मुंह श्लोक सुनना चाहते हो,
बच्चा इधर आ जाओ, कृष्ण इधर आ जाओ, कृष्ण इधर आ जाओ, आ इधर आ जाओ, कृष्ण को शरण लगता है, आ इधर आ जाओ। देखो बच्चा कैसे श्लोक बोलता है, बच्चे को इतना अच्छे, आप भी अपने बच्चों को संस्कार दो, लेकिन संस्कार सबसे पहले माँ से पड़ेगा। लेकिन अगर आप भजन करोगे बच्चा तो करेगा ना, अगर खुद नहीं करोगे तो बच्चा कैसे करेगा। आजा इधर आ जाओ कृष्ण, आ जाओ उसको बोलो माइक लो, आओ इधर आओ, बोलो ये कृष्ण का राधा रानी की, हाँ ये नरसिंह भगवान की, बहुत श्लोक तोतली तोतली बोल से पर बहुत श्लोक उसके आ रहे। दो दिन पहले अली मोहे लागे वृंदावन, ये भजन गाता है बोले बेटा रामायण को भी पढ़े हो, बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं, जब तुम खुद रामायण गुरु जी खुद रामायण पढ़ोगे नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाओगे, बच्चे कहाँ से सीखेंगे संस्कार? क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा, ये रामायण में लिखा हुआ। ठाकुर जी सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण छूते थे। रामायण देखे हो? कौन कौन देखे हो टीवी में रामायण? देखना दशरथ महाराज जब शयन करते हैं, स्वयं राम जाकर के चरण सेवा करते ना। रामायण खुद पढ़ेंगे नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन मुसलमान को बच्चों को पूछो कुरान पूछो, मुसलमान कोई भी मुसलमान किसी बच्चे को कुरान पूछो धड़ाधड़ बोलना शुरू कर देगा। क्यों? आप देखे होंगे शुक्रवार का दिन ये लोग टोपी पहना करके अपना बच्चों को लेकर मेन रोड में बैठा करके रोड जाम कर देते हैं। किसी मुसलमान बच्चे को पूछ लो कुरान, हमारे कितने हिंदू बच्चे को बोलो कोई गीता का एक श्लोक बोले, रामायण का कोई चौपाई बोल बोल दो, सारे अंटा संटा उल्टा पुल्टा जितना हीरो हीरोइन प्लेयर इसको नाम सब याद कर करके गेम और क्या क्या पबजी ऐसा उल्टा पुल्टा है। इसलिए नहीं, देखो पहला संस्कार माँ से बढ़ता है, इसलिए पहले आप लोग भजन करो, भक्ति करो, ठीक है ना। अगर आप भक्ति करोगे बच्चों को भी भक्ति की शिक्षा दोगे, माँ संस्कार पहला बढ़ेगा। इसलिए आप सब हरिनाम करो, भजन करो, बच्चा भजन करेगा तो तुम्हारे घर भगवान का धाम बन जाएगा। जिस बच्चे घर में पिता माता भाई सबके सब भजन करते हैं उसका घर भगवान की धाम, गोलोक वृंदावन, वही अयोध्या बन जाएगा, हैं? वही अवधपुरी बन जाएगा। जिस घर में राम जैसे रामायण जैसे पुस्तक हो, राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे पत्नी हो और बच्चे कैसे हो, लव कुश जैसे बच्चे हो, बस वो घर ही अयोध्या है, वही घर ही अवध है जहां पर कोई बर्थ नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप सब घर घर को अयोध्या बनाओ, अवध बनाओ, घर जिस घर में ठाकुर को पूजा वही वृंदावन धाम बनेगा। इसलिए हाँ, जिनको इच्छा होगी हम माला जप करेंगे, आप लोग मेरे से एक एक माला ले जाओ, खुद भी जप करो और बच्चों को भी बोलो। देखो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप बोलो एक माला जप करे, देखना मन अपने आप भजन में लग जाए, आप स्वयं देखोगे। उसमें जो कृष्ण नाम है ना, कृष्ण मतलब क्या है, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, खींचना। जिसका मन है बच्चा, अगर 6 बजे स्कूल हो ना, उसको 5 बजे उठा देते कि नहीं, स्नान करा के उसको खाना दे करके बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठा करे, आते कि नहीं आते है ना। अब देखना वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, लिखा पढ़ा ज्यादा सीख गया ना, पिता माता को गाली देता है, तुम बेकूफ क्या जानते हो, अनपढ़ गवार, हम इतने लिखे पढ़े, PhD किया, डॉक्टर इंजीनियर किया। जब बच्चे को पढ़ा लिखा करके पिता माता को गाली जो देता वो बोलता है उसको सिखाते हो, अगर भगवान का नाम करोगे तो पिता माता को तो आदर करेगा, पिता माता को तो सेवा करेगा बच्चा। इसलिए क्या करो, बोले बेटा
एक माला हरि नाम करो, लेकिन पहले तुम करो। पहले कौन करेगा? पहले पिता माता को करना पड़ेगा, फिर बच्चे तुमसे सीखेगा। ये बच्चा क्यों सीख रहा है बताओ? उसको पिता माता खुद भजन, पिता माता स्वयं भजन करते, ठीक है ना? हाँ, एक बार खड़े हो जाओ, ठाकुर का आरती कर देते हैं और कीर्तन करके प्रसाद लेकर जाना। आशीर्वाद दिलाना है। किसको आशीर्वाद? हाँ, इनकी मैरिज, मैरिज का दिन है, सबका हाथ में फूल दे दो, थोड़ा थोड़ा इनको थोड़ा आशीर्वाद दे दो, फूल दे दो। तो इधर सुना, जिनके घर में इच्छा हुई कि बच्चे का बर्थडे, जैसे तुम्हारी शादी की सालगिरह पड़े ना, हम लोग को बुला लेना, घर में कीर्तन होगा तो उनको फिर अच्छे संस्कार पड़ेगा, घर भी भगवान का धाम बनेगा। इसलिए आप लोग भक्तों को निमंत्रण देना, सबका हाथ में फूल दे दो, फूल, अरे फूल दे दो ना सबका हाथ में। इसको इसको ले देने दो, ये कोई काम के लिए, दस रुपए दे दो, एक एक फूल दे दो, फूल दे दो सबका हाथ में एक एक करके। अरे पीछे जाओ, उसको तोड़ कर दे दो, एक 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 फूल दे दो, बांट लो इधर सारे, ये लो फूल दे दो, आ इधर दोनों पति पत्नी इधर आ जाओ। अरे पति पत्नी कहाँ गए? आ जाओ इधर, आओ इधर, आओ आओ कृष्णा इधर आ जाओ। हाँ बैठो, पर पिताजी कहाँ गए? हाँ तुम बैठो यहाँ बैठो। हाँ आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, ये वेद का मंत्र है, ये वेद मंत्र से दोनों का आशीर्वाद देंगे, जय जय दोनों खुशियां है और खूब भगवान की सेवा करें और सबको सेवा करें और जीवन में सुखी रहे। फूल गए मेरे के, फूल दे। आप बोलो बोलो, ओम स्वस्ति नो गोविंद, स्वस्ति नो अच्युतानंद, स्वस्ति नो वासुदेव विष्णु दधातु, स्वस्ति नो दैनतेयो हरिः, स्वस्ति नो अञ्जनासुतो हनुर्भागवतो दधातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गलैकेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु, लाभस्ते साम जयस्ते साम कुतस्ते साम पराभव जेसाम इंदिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन माधव माधव पाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बल श्री गिरिराज महाराज की, सर्व विघ्न विनाशन कर नृसिंह देव की, भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज की, सपरिकर गौर हरि की, सपरिकर प्रभुपाद की, बल श्री गुरुपाद पद्म की, जय जय श्री राधे। आप लोग हाथ में जो पुष्प है, आप लोग अपना हृदय से ये दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दो, जैसे दोनों फलते फूलते रहे और जीवन में शांति सुख उनको मिले और सभी का सेवा कर सके, इनको ऊपर में ये फूल का बौछार करके दोनों का आशीर्वाद दो। बोले गिरिराज महाराज की, ठाकुर जी का एक माला दे दो, तो ठाकुर जी निकल इधर आओ बेटा, इनका फोटो ले लो बढ़िया से, कौन हो फोटो लेने वाले, इनकी बढ़िया से फोटो ले। और वो जो कौशल्य माता जी कहाँ गई? कौशल्य माता जी और एक माला दो वहां से। अरे कौशल्य माता कहाँ गई? इधर आ जाओ। कौशल्य माता जी कहाँ है? हाँ ये माता जी, इन्होंने आज हम लोगों को घर में बुलाया, इनका घर नहीं आज ठाकुर का धाम हो गया, भगवान जी इनको ठाकुर जी खूब आशीर्वाद दे। और आप लोग भी घर में, आपका जैसे बच्चे का बर्थडे हो ना, पत्नी का जैसे कोई सालग्रह, पति पत्नी का कोई शादी की सालग्रह हो तो हम लोगों को बुलाना, घर में सत्संग रखवाओ,
घर में ऐसे नहीं उल्टा पुलटा लोगों को बुला करके डिस्को ध्यान से लगा करके गंदी गंदी फिल्म के ऊपर नाचे नहीं, उसमें बच्चों का कोई कल्याण नहीं, ठीक है ना। इसलिए संतों को बुलाओगे घर में, उनकी चरण पड़ेगा तो घर का मंगल होगा, घर में शांति सुख मिलेगी, ठीक है। हाँ, और जिनको इच्छा होगी हम माला जप करेंगे, आप आकर के ले सकते हो। इनका फोटो लिया, बोल दिया मेरे में वीडियो चल रही है। इधर से ले लो, इधर से फोटो ले लो। फोटो लेने वाले कौन है भैया? बढ़िया से ले लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यशोमती नागर गोकुल कान है यशोमती नन ब्रज बार देखो द्रौपदी जब तक हाथ नहीं उठाए ना भगवान वस्त्र नहीं दिए। जैसे कोई बच्चा जब माँ की गोद में उठना चाहता है क्या करता है, हाथ उठाता है ना, तब तो मैया गोद में लेती है,
इसलिए जब हाथ उठाना मतलब ठाकुर जी अब हमें कृपा कर अपना गोद में ले, इसका मतलब है। हाथ उठाओ सबके सब, हाथ उठाओ और थोड़ी सी शरीर को हिलाते हुए ठाकुर के सामने नाच लो, हमारे हम भी नाचेंगे। बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि शरीर को जो मोटे है ना सब पतले हो जाएंगे, आज जो पतले सब मोटे हो जाएंगे, थोड़ा शरीर को तो हिलाओ थोड़ी सी, आपके साथ हम भी नाच रहे हैं। बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सुनीपत के भक्त वृंद की जय जय श्री राधे। सबके सब ठाकुर को प्रणाम करो, ढोक लगाओ और जिनकी इच्छा होगा हम माला जप करेंगे, यहाँ से माला ले सकते हैं। सब से सर झुका करके, नीचे सर झुका कर ठाकुर को प्रणाम करो।